to all of you. Now I teach you about circular motion. स्टैंडर्ड 9 में एक बहुत अच्छा टॉपिक मिलता है सर्कुलर मोशन. इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है. चलो पढ़ा. व्हेन ए बॉडी मूव ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. इसका सब जानते हो इसके बारे में. 8 में पढ़ना था 7 में. जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रही है चल रही है देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन करती है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं. सर्कुलर मोशन. अब देखते हैं सर्कुलर मोशन के पास दो चीज आएगा. एक वेलोसिटी और दूसरा क्या होता है स्पीड. अब डिसाइड करना है ना कि सर्कुलर मोशन के पास वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा. तो गाइस हम लोग देख रहे हैं कि सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है चेंज होता है. सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है. तो गाइस कहना सही होगा कि इसके सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. ये सही होगा बिल्कुल नहीं क्योंकि हर एक पोजीशन पे क्या हो रहा है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता है. कांस्टेंट कौन रह सकता है तो सिर्फ स्पीड. चलिए हुआ आपका सर्कुलर मोशन के बारे में. जब भी कोई बड़ी सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रही है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के पास स्पीड कांस्टेंट होगा वेलोसिटी नहीं. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होता है चेंजेबल होता है. चल देखते हैं हम लोग वन यानी कि वन रिवॉल्यूशन के लिए. जब भी कोई बॉडी क्या है ना किसी भी ट्रैक पे एक राउंड कंप्लीट कर लेता है आर रेडियस का है बॉडी ए से स्टार्ट किया ए तक आया वन रिवॉल्यूशन के लिए. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा. इक्वल टू 2 पाई द टोटल कवर्ड पाथ. तो सर्कुलर पाथ ना ट्रैक है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई एंड डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू 0 बिकॉज द पोजिशन ऑफ बॉडी बी नॉट चेंज. क्योंकि बॉडी के पोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो. अब निकाल सकते हैं सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. इट इज डिस्प्लेसमेंट जीरो बाय टाइम जीरो. सो वेलोसिटी इक्वल टू जीरो. यानी कि अब तो दिख रहा है ना कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होता है जीरो. स्पीड निकालो डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई आर. सो 2 पाई आर बाय क्या हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन में स्पीड इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई आर बाय टी. और वेलोसिटी क्या होता है बिकॉज सर्कुलर ट्रैक में जब भी कोई बॉडी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट या वन रोटेशन कंप्लीट करेगी तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो. या डिस्प्लेसमेंट जीरो तो स्पीड क्या हो जाएगा जीरो. डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो. स्पीड क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाय. इसी से रिलेटेड एक आएगा ना क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है. इससे पहले हम लोग सिर्फ पढ़े क्या डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. व्हाट यहां पे क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्सप्रेस टू द सर्कुलर ट्रैक. बोल सकते हैं हम लोग कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रही है
यानी कि द एंगल सबटेंड बाय सेंटर ऑन द सेंटर बाय ए मूविंग बॉडी ऑन सर्कुलर ट्रैक। किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही बॉडी के द्वारा सेंटर पे जितना बड़ा एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रही है तो सर्कुलर ट्रैक के सेंटर पे उस बॉडी के द्वारा जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी से लिटरली क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। से डिस्प्लेसमेंट के वाला वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मींस क्या होता है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। व्हाट यहां पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। सो वी कैन आल्सो से हियर द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलो, लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट होगा यहां पे क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले क्या हो रहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रेट लीनियर वेलोसिटी, यहां पे क्या हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट एंगुलर वेलोसिटी। जैसा सेकेंडरी दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि द एंगल सबटेंड बाई ए मूविंग बॉडी ऑन सर्कुलर ट्रैक इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी के द्वारा इस सेंटर पे बनाया गया एंगल उसका क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी थीटा, टाइम टेकर भी टी। सो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा बाय टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यूनिट फाइंड द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एस आई यूनिट ऑफ एंगल इन रेडियन, रेडियन बाय सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं क्या? रेडियन पर सेकंड। ये आपका होता है सर्कुलर मोशन स्टैंड लाइन में, बस इतना ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। थैंक यू।